Assalamu alaikum students, this is Dr. Singh Ustazed, cardiology, third semester, lecture 9. And today our topic is function of atria, function of ventricles, function of walls and heart sounds and physiologic and their physiological significance. And heart rate and their factor affecting it, which is our today our topic. तो आज जो हमने डिस्कस करना है एट्रियास वेंट्रिकल्स. असल में एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन की हुई है. लेकिन अब उनके काम क्या होते हैं, वो किस काम के लिए होते हैं. चैम्बर्स तो बने हुए हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं, लेकिन अब उन पार्ट्स के काम क्या होते हैं उन पर आज हमने डिस्कस करने हैं. फिर इसके बीच में वॉल्स होते हैं, जो आप सबको पता है कि वॉल्स किस लिए होते हैं. वैसे भी जनरली भी अगर हम लैम लैंग्वेज में हम यूज़ करें तो वॉल्स किसके लिए होते हैं, तो वो भी आप सबको पता होता है. दूसरी जो चीज़ है ये है कि हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होता है और उसको कौन सी चीज़ें उस पर अफेक्ट करती है, हार्ट रेट को ज़्यादा करती है या कम करती हैं. अपना टॉपिक पे जाने से पहले एक आपके लिए है कि बेहतरीन इश्क वो है जो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम. अब आते हैं हम अपना टॉपिक की तरफ कि फंक्शन ऑफ एट्रिया एंड फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल. तो सबसे पहले जो हमारा वो है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम से और पम्प करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और फिर वही पासिस करता है राइट एट्रियम के थ्रू ट्राइकैप्सिड वाल, वहाँ पे बीच में होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल में जाता है. फिर वही ब्लड जो होता है वो फोर्स करता है, प्रेशर वहाँ पे बिल्ड होता है और वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं. पल्मोनरी वाल ओपन होता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ पर उसके ब्रांचेज होते हैं जो कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. दीज आर्टरीज आर सेकेंडरी लंग्स, और ऑक्सीजन पूर ब्लड पिक अप ऑक्सीजन एंड रिटर्न टू द हार्ट वाय द पल्मोनरी वेन. नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, देयर वाज द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप इनटू द एओर्टा. ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स और फिर ये एंटर हो जाती है एट्रियम में, और वहाँ से फिर मिटर वॉल होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में उस ब्लड को लेके जाता है, वहाँ पे उसका एक गेट का काम करता है. ब्लड जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होता है एओर्टा की तरफ और कंट्रैक्ट करता है एओर्टिक वॉल्स, वहाँ पे ये ओपन हो जाता है और फिर सारा का सारा ऑक्सीजन जो होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है. फिर दो एट्रियाज़ होते हैं, एट्रियाज जो होते हैं दो होते हैं ह्यूमन हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी लंग के सर्कुलेशन के थ्रू, और राइट एट्रियम जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है वेना केवा, जो सबसे बड़ा वेन होता है जो वीनस सर्कुलेशन का काम करता है. तो एट्रिया रिसीव ब्लड करता है डायस्टोल में और फिर कंट्रैक्ट करता है सिस्टोल में और वेंट्रिकल्स में लेके जाता है. ये हार्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, हार्ट वेना केवा, और फिर लैटिन में उसको एट्रियम बोलते हैं, और ये पार्ट होता है सिस्टम सर्कुलेशन का. अब वॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वॉल्स जो होता है एक डिवाइस होता है जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है जो कि रेगुलेट करता है डायरेक्ट और डायरेक्ट या फिर कंट्रोल करता है जो फ्लूइड या गैसेस, फ्लूइड सॉलिड्स स्लरीज वगैरह उसको क्या कर देता है, उसको उसके वापस आने तक वहाँ पे उसको क्या करता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बंद करके रखता है. ये टेक्निकली फिटिंग में हुए होते हैं जो कि फिर आगे जाके फिर इसके कैटेगरीज बने हुए हैं. हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, हार्ट साउंड्स जो होते हैं ये क्रिएटेड होते हैं फ्लोइंग टू द हार्ट चैम्बर एंड कार्डियक वॉल्स ओपन एंड क्लोजर. ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब कार्डियक वॉल्स जो होते हैं ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. फिर कौन से वाल ओपन होते हैं कौन से क्लोज, वो भी आगे जाके बताता हूँ. वाइब्रेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द ब्लड फ्लो क्रिएट दी ऑडियोबल आवाज. फिर क्या होता है ये साउंड्स कब होते हैं, फिर जब ये जो वॉल्स होते हैं ओपन या क्लोज होते हैं इससे क्या होते हैं साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वही साउंड फिर क्या होते हैं जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं. दिस फ्लूइड इज कॉज्ड टू डेंसिटी एंड व्हिच फ्लूइड इनटू द ट्रैवलिंग. ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड विद स्टेथोस्कोप इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द फ्रंट लाइन टूल फॉर द इवैल्यूएट द पेशेंट. एंड सम साउंड्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफेक्टिफिकेशन पैथोलॉजी लेजन्स. दिस टाइप ऑफ लेजन्स कैन बी हर्ड इन असेस्टोल डायस्टोल एंड कंटिन्यूसली टू द कार्डियक साइकिल. Physiology of heart sounds. S1 sound is produced at the mitral wall or tricuspid wall when it is closed. This structure is the hemodynamically changed create vibration that are audible in the chest wall. नंबर सेकंड जो S2 साउंड होता है ये कब प्रोड्यूस होता है, ये जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल डायस्टोल में क्लोज होते हैं तो क्या होता है ये साउंड प्रोड्यूस होता है. ये आप सबको MCQ के लिए भी याद होना चाहिए, ऐसे भी आप सबको पता होना चाहिए.
हार्ट रेट क्या होता है? दिस हार्ट रेट जो होता है, हार्ट जो पंपिंग करता है, हार्ट जो जो साउंड एक प्रोड्यूस करता है कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में, तो उसको कहते हैं। और उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं? नंबर फर्स्ट जो होता है वो इमोशंस होते हैं या एनजाइटी होते हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरी बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो या कम हो वो भी कर सकता है। वाइंड हो, ज़्यादा तूफान आंधी हो उसकी वजह से भी, कोई खौफ हो उसकी वजह से भी, डिहाइड्रेशन काज हो रही हो तो उसकी वजह से भी इस पर इफेक्ट आ सकते हैं। अगर ग्लाइकोलाइजन स्टोरेज उसमें कोई मसला आ रहा है तो उसकी वजह से भी इसमें चेंजेस हो सकती है। अब अगर किसी स्टूडेंट को मेरे यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे इस पर जी मेल करें doctor.z.sayed.733@gmail.com, उसमें काइंडली मुझे जी मेल करें और आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वो डायलेटर्स पे होगा, जो कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।